योगाभ्यास सवालों के जवाब के बाद अब पाक शास्त्र का इंतजार लोग कर रहे हैं, तो शुगर को बैलेंस रखने के लिए पाक शास्त्र में आज आपके पास क्या खास है, लेकिन व्रत भी रखना है तो उसके हिसाब से आज का जो पाक शास्त्र में नुस्खा आप बताएंगे वो होगा, तो आप उसकी तैयारी करें। स्वामी जी आज क्या बन रहा है? ये दुनिया के रिश्ते नाते मैं निभाऊंगी, ये दुनिया के रिश्ते नाते मैं न निभाऊंगी। साबूदाना सुनाई दिया कि साबूदाना का कुछ बन रहा है। देशियों का ज्ञान को या देश जगाऊंगी, तेरे कुल का बढ़ाऊं मान। स्वामी जी आपकी आवाज हमें कम मिल रही है, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ अब ठीक हो गया। ये अब यहाँ ज्यादा आनंद हो रहा है। तो ये है हींग, ये है थोड़ा सा इसके अंदर जीरा, और ये थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, और इसके साथ थोड़ा सा अदरक डाल दे। तो अदरक से ना ये वायु नहीं करता फिर साबूदाना, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये और इसमें फिर ये वही भिगो हुआ जो है पूरा का पूरा साबूदाना। अब साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना की खीर अपनी अपनी पसंद है। अब अपनी अपनी पसंद के अनुरूप जब आप ऐसे इस साबूदाना की खिचड़ी खाएंगे और साबूदाना की खीर खाएंगे तो आपको कोई कमजोरी भी नहीं रहेगी, और ज़्यादा नहीं खाना। कभी तुम आधा किलो पूरा साबूदाना की खिचड़ी खा जाओ और फिर कहो कि हमने जो है उपवास कर रखा है। तो ये आज की रेसिपी है साबूदाना की खीर, और इसमें थोड़ा घी डाल देते हैं ना तो अच्छे से, तो ये चिपकता नहीं है, नहीं तो बर्तन के भी चिपकने लगता है ना, ये तो चिपकेगा नहीं। तो ऐसे ये साबूदाना की, फिर हर दिन नई नई रेसिपी बताते रहेंगे। फिर कुट्टू सिंघाड़ा ये तो सब रखा है, ये सेंधा नमक ही फिर डालना है, ये काला नमक भी नहीं डालना, सेंधा नमक ही उपवास के अंदर डालते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में डालते हैं। तो आज की रेसिपी पूरी हो गई। कल नए योग शास्त्र पाक शास्त्र के साथ और नए सनातन धर्म योग धर्म अध्यात्म धर्म के श्रेष्ठ मंतव्यों कर्तव्यों गंतव्यों के साथ आगे ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभ नवरात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।